भारत के सभी राज्यों की खबर, खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, मैं सीमा हरडे, खबर SNS टीवी में आप सबका स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरें। मुंबई 26 गारा हमले की बरसी पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा, हमारी पुलिस ने मुंबई को बचाया, आतंकियों ने मुंबई को कमजोर करने की कोशिश की और कुछ राजनीतिक लोग ऐसा कर रहे हैं। उनके पास बंदूक और गोला बारूद नहीं है, लेकिन वह मुंबई को कमजोर कर उसकी अहमियत घटाना चाहते हैं। भारत में 26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख है जिसे याद कर सबकी आंखें गमगीन हो जाती है। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है। यह तारीख देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पुराने घाव को पूरती है। आज से 15 वर्ष पहले इसी दिन दुनिया के सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमलों में से एक की गवाह मुंबई भी बनी थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए 15वें दिन एक बार फिर से नए सिरे से कवायद शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिलक्यारा से जुड़ी एजेंसी के लिए सरकार एक बार फिर पहाड़ बनी चुनौती लेकर आया है। अगर मशीन में खराबी आने और पार्ट से टूटने और अंदर फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा हादसा लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश दिवायु चंद्रगुड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और CGI डीवाई चंद्रचूड़ ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 7वें फीट ऊंची प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। साल 2015 से आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इसी दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है और उसे सबक सिखाया जाना चाहिए। हमारा संविधान सबके पवित्र ग्रंथ है, लेकिन BJP उसे बदलना चाहती है। मन की बात के 107वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 को याद किया। अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन हम कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने मुंबई हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके आगे उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में भी बात की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह विदेश में जाकर शादी करने के बजाय भारत में ही शादी करें। नागपुर सीतामढ़ी थाना अंतर्गत एक बेहद हैरान करने वाला मामले सामने आया है, जहाँ दो युवकों ने जम्मू कश्मीर से एक 15 वर्षीय नाबालिग का पहले अपहरण किया और फिर उसे लेकर नागपुर पहुँचे। सीतामढ़ी परिसर में घूमते समय पुलिस ने तीनों को रोका और पूछताछ की, तब यह मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवती को सरकारी छात्रावास में रखा गया है। गढ़चिरौली पुलिस मुखबिरी के संदेह में नक्सलियों ने एक और युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मारे गए युवक का नाम रामजी अतराम 27 वर्ष निवासी कपेबाज जिला अहेरी है और घटनास्थल से मिले नक्सलियों पर्चे में दावा किया गया है कि वह खबरी है। दक्षिण गढ़चिरौली इलाके में एक महीने के अंदर 3 लोगों की नक्सलियों द्वारा हत्या किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। 13वीं के लिए जा रहे बुजुर्ग दंपत्ति कार दुर्घटना में शिकार हो गयी। इस हादसे में मौके पर ही ड्राइवर और कार में बैठी महिला की मौत हो गयी। वही एक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा आज दोपहर 12 बजे हुआ है। मृतक की पहचान नीलिमा हरिदास पाटिल और चालक संजय भानुदास गेडाम के रूप में हुई है। वही हरिदास पाटिल का इलाज अस्पताल में जारी है।